आज का डेट में घर घर का प्रॉब्लम है डायबिटीज, मधुमेह रोग, और जो पैनक्रियास से इंसुलिन खरीद होता है वो बंद हो जाता है। नमस्ते, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे और सुस्त निरापद प्लेस में हैं। आज मैं कुछ न्यू टॉपिक में बारे में डिस्कशन करूँगा। ये चार टॉपिक में डिस्कशन करूँगा, चार योगा बताऊँगा मैं जो डायबिटीज़ पर्सन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये चार योगा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा ये, और ये इफ़ेक्ट धीरे धीरे से शुरू होना स्टार्ट होगा। आप मेडिसिन कंटिन्यू करते रहेंगे और योगा भी करते रहेंगे। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लो एक आयरन का झड़ी है, उसी को आप बाहर डाल दिया कुछ दिन के लिए, और क्या होगा उसके बाद, उसी में रसेस आने लगेंगे और जंग लगेगा, और कुछ दिन के बाद वो कंटिन्यूसली आप ऐसे रखेंगे तो बाहर उसी का क्लोज हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा वो झड़ी था क्या क्या था करके। तो ऐसे ही हमारा बॉडी है, उसी को आप थोड़ा सा काम पे लगाना चाहिए, नहीं तो वो भी काम करना बंद कर लेगा। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज को हम स्टिमुलेट करना चाहिए डायबिटीज़ से दूर रहने के लिए, मधुमेह से दूर रहने के लिए। तो आपको ये डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे चीज़ को डिफरेंट्स चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जितना भी आपका टेस्टी फूड है ना, वो बोलेंगे कि आप बंद करना पड़ेगा। तो जनरली आप देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, ये आसनस वगैरह करके आपको जो पैनक्रियास का कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं हम। तो क्यों नहीं हम उसको ट्राई करें, और थोड़ा सा हमारा जो ऋषि मुनि हमको दिया हुआ है जो आइडियाज वगैरह, उसी को हम यूटिलाइज कर लेते तो अच्छा होगा हमारा भी बॉडी के लिए, और हम डॉक्टर के पास कम जाएंगे, और हमारा जो पैसा भी होता है ना, वो बचेगा भी। चलो ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ। आप ऐसे आ जाइए, आप दंडासन, सुप्त दंडासन, और ऐसा पैर को मोड़ लीजिए आज, आप बैठ जाइए ऐसे वज्रासन में, और सुप्त मुद्रा को आके आप ऐसा बैठेंगे, और दोनों हाथ को ऐसे, मतलब देखिए ये एक हाथ को ऊपर, दूसरा हाथ को मैं रख रहा हूँ अभी, उसका हाथ पेट का मतलब नाभि का नीचे रख लीजिए। आप थोड़ा सा ब्रीद इन करके नीचे झुकिए, और ये पोजीशन में आपको धीरे धीरे से श्वास लेते हैं रहना है, छोड़ते रहना है। देखिए ये जो पैनक्रियाज है ना, इसका एक्टिवेट शुरू हो जाएगा आप यहाँ से करने से। जैसे आप आयरन का झड़ी को जैसे कैसे ही मतलब उसको पॉलिश करेंगे, तो वैसे ही हम अभी इसको पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका जंग लग गया है, इसका काम करना बंद हो जाता है। इसके लिए आपको फिर से आप ऐसा करो, ऐसे जब ब्रीथ इन लेके सांस लेते हुए ऐसे झुकिए नीचे को, और झुकने के बाद कुछ टाइम के लिए रुकिए इस पोजीशन में। जैसे 5 सेकंड से रुकना पड़ेगा आपको ज़रूर, 5 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक रुक सकते हैं आप, और ये बहुत अच्छा है एक्सरसाइजेस जो पैनक्रियाज को आपको एक्सरसाइज मिलेगा आपको यहाँ पे, ओके। ये एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा आपको फील लगेगा, बट एक दिन में नहीं मिलेगा, आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा ये। आप ये आसन में नहीं बैठ पा रहे हो, आपको तकलीफ हो रहा है, आप नॉर्मल आसन में बैठ सकते हो, जैसे आप चेयर पे भी बैठ के आप कर सकते हो, बट ज़रूर करना है पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए, जो वगैरह रसेस वगैरह आता है ये करना है, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, ओके। पैनक्रियाज एक बार एक्टिवेट हो गया आपका तो शुगर का लेवल बैलेंस रहेगा, शुगर का लेवल बैलेंस रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखो दूसरा आसन में बता रहा हूँ, आप हाथ को ऐसे मोड़ देना है आदि मुद्रा में, आदि मुद्रा मतलब ये जो नाभि है, नाभि का दो साइड में इसको क्या करना है, नीचे ऐसा देखो ये है ना, मैं अभी इसका पोजीशन को आप नीचे डालना है, नाभि का दो साइड के पेट का दो साइड सा अंदर में, मतलब लोअर बेली फैट में उसको डाल के फिर से ब्रीथ इन करके आप धीरे धीरे से जाना है, और इस आसन को आपको 5 मिनट्स से बढ़ा सकते हो, मतलब मिनिमम तो 5 सेकंड्स करना है, रहना है इसके पोजीशन से, आप बढ़ा सकते हो। ये पोजीशन है, आपको थोड़ा सा धीरे से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, धीरे धीरे से सांस लेना है, धीरे धीरे से सांस छोड़ना है। मैं अभी मेरे को बोलना पड़ता है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बट ये पोजीशन ऐसा है कि आपको धीरे धीरे से सांस लेना है, धीरे धीरे से सांस छोड़ना है, ऐसे रहना है आपको कुछ टाइम के लिए। आप ऐसा नहीं बैठ पा रहे हो तो आप चेयर में बैठ के आप पेटों को मतलब आपका जो आंतों होते हैं उसी को आप स्टिमुलेट कर सकते हो, ओके।
सो नेक्स्ट आसन जो मतलब आपको ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, आप एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बट आप ग्रेजुअली करिए और मेडिसिन कंटिन्यू करिए आपका डायबिटीज़ का, वो आपको मिलेगा। चलो दूसरा आसन बोलता हूँ, ओके। आप ऐसे पैरों को मोड़ के आप सुप्त दंडासन में आ जाइए और ओके अभी क्या करूँगा मैं, अभी दोनों पैर को मतलब ऐसे थोड़ा सा आप स्टिमुलेट करके थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए और दोनों पैरों से एक दूसरे को ऊपर देखिए क्रॉस करके रख लिया। भरद्वाज आसन करेंगे हम अभी, ओके। पहले मंडूक आसन किए थे, अभी भरद्वाज आसन करेंगे। अभी एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को ऐसे क्रॉस करके डालना है और ऐसे बैठना है, ओके। ऐसे बैठने के बाद को कमर को है ना फुल्ली मतलब स्ट्रेट रखना है, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखना है। हाथ को ऊपर उठाइए, हाथ को ऊपर उठा के देखिए ये दोनों पैर है ना, ये देखो जिस पैर में आप मोड़े हो रहा है, मैं देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट पैर को मोड़ रहा हूँ, तो लेफ्ट पैर को मोड़ा हूँ तो लेफ्ट साइड में घूमूंगा, ओके। देखो लेफ्ट साइड मोड़ा हूँ तो लेफ्ट साइड को घूमूंगा, ओके। सो ऐसे ही देखो मेरा जो थाई है और मेरा जो रिस्ट है, हैंड का रिस्ट है, उसी को मैं ऐसे दोनों को ये ऊपर नीचे नहीं करना है, ओके। उसको ऐसे ही ऊपर रखना है क्योंकि आपका जो हीप जॉइंट होता है, आपका पेल्विक जॉइंट होता है, उसी का प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे ही आपको रखना है ये आसन को, देखिए ऐसा मोड़ना है आपको गर्दन को स्ट्रेट करके, मतलब आपको मतलब थोड़ा सा देखिए दूसरा मैं साइड से वो आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो क्रॉस हो गया आपको ऐसा बैठना है, आपको स्ट्रेट होके बैठना है, हाथ ऊपर उठाना है, थोड़ा सा अभी मोड़ना है, धीरे धीरे से ब्रीथ इन करके अभी ये साइड से आके ब्रीथ आउट करना है, ओके। धीरे धीरे से करना है, आप जितना कर पाते हो उतना करो, ज़्यादा नहीं करने का। अब देखो ये जो है ना आपका स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखना है, आप नीचे नहीं करना है और बेंड नहीं करना है, आपको स्ट्रेट रखना है, ओके। क्योंकि ये उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप ऐसा घूमोगे ना। देखो मैं अभी किया हूँ क्योंकि मैं राइट साइड में घुमा था, राइट साइड का वो साइड में मेरा बॉडी को फुल्ली मूवमेंट किया है। देखिए धीरे धीरे से मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रीथ इन कर रहा हूँ, ब्रीथ आउट कर रहा हूँ, आपको 5 सेकेंड तक रुकना है, उसके बाद धीरे धीरे से हाथ को ऊपर उठाना है, ऐसे मोड़ना है, आपको स्ट्रेट आ जाना है, आके ब्रीथ आउट करके फिर से आ जाना है। देख आपको समझ में आया क्या नहीं मेरे को कमेंट करिए, और नहीं आया तो मैं फिर से बताऊँगा। देखिए और एक बार बता देता हूँ मैं, ओके। देखिए दूसरा साइड करके बता देता हूँ, ऐसे ही देखो मैं अभी मेरा राइट वाला लिया हूँ, ओके। सो इसका मिरर इफेक्शन है, आई कैन टेल यू दैट। सो अभी देखिए मैं अभी राइट में बैठा हूँ, ओके। आपको दिखेगा कि मिरर इफेक्शन है तो मैं लेफ्ट में बैठा हूँ दिखेगा। अब हाथ उठाइए, ऐसा ब्रीथ इन करिए, साथ धीरे धीरे से लेकर ब्रीथ आउट करिए, हाथ को नीचे करिए और ऐसा मोड़ के थोड़ा सा आप आ जाइए अभी, ओके। ये पोजिशन में आपका जो मेरुदंड है वो स्ट्रेट रहना चाहिए, आपका कमर स्ट्रेट रहना चाहिए। आप जिसका L1, S1 का प्रॉब्लम है, L2, L3 का प्रॉब्लम है, उसको भी अच्छा रहेगा। और ये पैनक्रियाज क्या करेगा, थोड़ा सा मूवमेंट लेगा, ओके। देखो धीरे धीरे से आपका जो ये कमर है ना, कमर में भी थोड़ा सा आप फील करिए कि क्या हो रहा है आपको फील में, क्योंकि योगा मतलब आपको फील करना है। और देखो ये इसको स्ट्रेट करके बैठना है, ओके। ऐसा मतलब बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट करके बैठना है, धीरे धीरे से मोड़ के ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, मतलब सांस लेते रहना है सांस छोड़ते रहना है, धीरे धीरे से करना है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको फील लगेगा कि ये कुछ तो मतलब चेंजेस हो रहा है आपका कमर पे, आपका बॉडी पे, आपका पूरी शरीर पे, ओके। धीरे धीरे से हाथ ऊपर करके नीचे करना है, ब्रीथ आउट करना है। आपने ये देख लिया भरद्वाज आसन किया मैं, ये राइट करना है, लेफ्ट करना है, ओके। दूसरा आसन भी मैं बताऊंगा अभी, अच्छा लगा तो ये भाई शेयर कर लो किसी के साथ, आपका फ्रेंड दोस्तों के साथ, जिसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है उसी के कर लो। अभी मैं देखो दंड आसन में फिर से आ गया, अभी तीसरा आसन बताऊंगा, ओके। अभी फिर से देखो ये घुटने को मोड़ दिया मैं, देखो उसका जो किया था अभी भरद्वाज आसन उसका काउंटर पोज करूंगा अभी, ओके। कौन से भी आसन करे तो उसका काउंटर पोज करेंगे तो आपको हानि नहीं पहुंचेगा, ओके। देखो ये मैं नी को बेंड कर लिया, लेग को बेंड करके मेरा जो चेस्ट है उसी के पास लेके आ गया, और हाथ के हिसाब से देखो ये जो मेरा राइट हैंड का जो कोहनी है मतलब जो एल्बो जॉइंट है उसको बेंड किया। और ये आसन करने से आपका जो पानक्रियाज है ना, दूसरा साइड देखो मैं अभी दूसरा साइड करके दिखाता हूँ आपको। देखो अभी मेरा लेफ्ट लेग फुली स्ट्रेट में है, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड को मैं लेफ्ट हैंड का
नी को और लेफ्ट हैंड का एल्बो को, देखो एल्बो को राइट हैंड से टच करके ऐसा करूँगा, ऐसा करके इसको प्रेस करके ऐसा करूँगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मैं जैसे कर रहा हूँ आप देख लीजिए, करिए ओके। और इसको बेंड मत करिए, स्ट्रेट करके रखिए इसको। अभी देखो मैं कैसे कर रहा हूँ अभी, ऐसे करके, और मेरा जो राइट हैंड है मैं पीछे सपोर्ट देके उसको पुश कर रहा हूँ ओके। मतलब मैं दूसरे साइड में, मैं मतलब उसको प्रेस करके इसको टाइट करके रख रहा हूँ और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहा हूँ धीरे धीरे से, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट धीरे धीरे से कर रहा हूँ ओके। धीरे धीरे से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए, इसमें क्या होगा कि आपका जो पानक्रियाज है उसी में स्टिमुलेट स्टार्ट होना शुरू होगा वो, और पानक्रियाज जब स्टिमुलेट हो जाएगा उसमें से जो रहता है इंसुलिन वो खरीद होगा, तो आपको एक्सटर्नल इंसुलिन लेना जरूरत नहीं पड़ेगा ओके। ये आसन आपको भरद्वाज आसन के करने के बाद वक्र आसन करना पड़ेगा, फास्ट मंडुकासन, उसके बाद वक्रासन, उसके बाद सॉरी भरद्वाज आसन, उसके बाद वक्रासन, ये करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं 4 to 5 रिपीटेशन ओके। उसके बाद आ जाइए स्लोली में दंडासन में, और फिर से दूसरा टाइप आप करेंगे, अभी उल्टा करेंगे। देखो मैं अभी राइट किया था तो लेफ्ट करूँगा, लेफ्ट करूँगा तो राइट करूँगा, क्योंकि दो साइड करना पड़ेगा आपको, दो साइड करने से ही आपका पानक्रियाज एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद ये जो जितना भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है आपका, बैलेंस नहीं रहता है, वो ठीक हो जाएगा। और अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे ओके। पैर को अभी मोड़े थे तो हम अभी क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ ओके ठीक है। अभी देखिए आप उसको थोड़ा सा देखिए, स्टिमुलेट किया आपने, फिर से आप वज्रासन में आ जाइए। और अभी हम क्या करेंगे, द्रोण मुद्रा में आ जाएंगे। वज्रासन नहीं हो रहा है आपको तो सुखासन में बैठ सकते हो, जैसे आप पेट से सांस लेते हुए बाहर छोड़ना है, मुंह से नहीं छोड़ना है, नाक से छोड़ना है, मतलब नोज से आपको एक्सिल करना है, जितना भी होता है आप एक्सिल कर पाते हो उसी को एक्सिल करते रहना है, करते रहना है। देखिए मैं अभी एक बार करके दिखाता हूँ, ब्रीथ इन किया, फिर से ब्रीथ आउट किया, ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, 5 to 6 टाइम कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओनली ऐसे बैठ जाइए, आप द्रोण मुद्रा में बैठ जाइए आप ऐसा, और बॉडी को स्ट्रेट कर लीजिए ऐसा ओके। आपका मान लीजिए आप बैठ नहीं पा रहे तो आपको बैठने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे आसन में। मेरे को ये कंफर्ट लगता है, मैं बैठता हूँ। आपको कुछ प्रॉब्लम होता है जॉइंट का वगैरह का तो आप थोड़ा सा कपूर और कोकोनट का ऑयल लेके लगा सकते हो और अच्छा होगा, नहीं तो आपको ऑर्थोटाइज का जो डॉक्टर है उनको जाके मिलना पड़ेगा। ये धीरे धीरे से आपको आदत पड़ जाएगा कि कैसे बैठना है, क्या करना है। चलो ठीक है, अभी बैठता हूँ मैं, धीरे धीरे से ब्रीथ इन किया मैं, ब्रीथ आउट। अभी देखो जितना भी कोशिश करिए, कितना भी कोशिश करिए उसको आप बाहर को साथ छोड़ते हुए, देखिए आप मैं कर रहा हूँ अभी, अभी देख पा रहे हैं आप मैं कर किया था, तो ये इसको 10 टाइम मिनिमम करना है और 100 टाइम मैक्सिमम कर सकते हो आप। और 1 मिनट में मैं तो 100 टाइम कर लेता हूँ, 50 तो कर लेता हूँ, उसको बढ़ा बढ़ा के आप 10-15 करके दो टाइम दिन में करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि आपको स्टिमुलेट जैसे बाहर हमने तो कर दिया, अंदर का करना है तो अंदर में आपको वो आसन और वो प्राणायाम करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली, और 2 टाइम दिन में करना पड़ेगा, एम्प्टी स्टोमक में करना पड़ेगा, और मतलब टॉयलेट जाके ही आके करना पड़ेगा, क्योंकि आपका गंदगी अंदर भरा रहेगा तो आप कुछ करेंगे तो ये ऊपर चढ़ेगा आ गया तो प्रॉब्लम हो गया हो जाएगा। सो देखो अभी मैं लगभग देखो मेरा पेट का साइज देख रहे हो आप, ये देखो क्या कर रहा हूँ, पेट को धीरे से अंदर से मतलब पेट से ट्राई कर रहा हूँ उसको, देखो छाती से का पास में जो है ना फेफड़े, फेफड़े का साइड में जो बीच वाला है ना उसी को मैं देखो धीरे धीरे से स्क्विच होता है ओपन होता है, स्क्विच होता है ओपन होता है, इसमें से क्या होता है कि अंदर का जो पानक्रियाज रहता है वो स्टिमुलेट होगा ओके। धीरे धीरे से आप मतलब ऐसा करके 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 आप प्रैक्टिस धीरे धीरे से करिए, आपको अच्छा लगेगा और रिजल्ट धीरे धीरे से मिलने लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे, वो करके आप देख लीजिए। चलो अभी मैं हाँ थोड़ा सा मैं मतलब सोच रहा था कि आप ये जो मतलब करेंगे ना, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली DM करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बता दूंगा कैसे करना है क्या करना है। और दूसरा चीज़, आपको रात में थोड़ा सा मेथी भिगा के रखिए, मॉर्निंग उसको चबा चबा के खाइए मेथी को, और वो अच्छा रिजल्ट मिलता है पानक्रियाज को एक्टिवेट स्टिमुलेट करने के लिए।
नहीं तो त्रिफला का चून भी खा सकते हैं। और जिसका मान लीजिए किसी किसी का यू नो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, दैट इज बिग प्रॉब्लम आल्सो, विल डिस्कस ऑन सम टाइम लेटर आल्सो। ओके, आशा करता हूँ मतलब ये आपको अच्छा लगेगा, तो आप फ्रेंड और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए। ओके, आप ज्ञान नहीं दे सकते हैं किसी को और किसी को आप पैसा नहीं मांग सकते, तो मतलब ये तो बात कहाँ हो गया। तो देखो, आप पैसा नहीं दे सकते हो पर तो ज्ञान दे सकते हो ना, ज्ञान तो मांग सकते हो, ज्ञान तो बांट सकते हो ना। तो थोड़ा सा वही मैं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी सब कुछ लोग डाले हुए हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर नहीं कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो ये चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये अच्छा मतलब एक फीलिंग आता है कि दूसरे के साथ शेयर करना और न्यू चीज़ को इन्वेस्ट करना। बट मैं तो कुछ न्यू चीज़ कर रहा हूँ आप बोलेंगे, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपका शरीर में जो बदलाव आ रहा है उसी को आप महसूस करते रहना है और एक्सरसाइज करते रहना है। देखो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे को समझ में आ रहा है, बट ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर करो प्लीज़। माई हम्बल रिक्वेस्ट, आपका दोस्तों को बोलो और मेरे को DM करो, आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको बताऊँगा। ओके, मेरे पास जितना नॉलेज है वो मैं शेयर करने के लिए रेडी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो प्रयास है थोड़ा सा, सबको मेरा प्यारा सा नमस्ते, सुख और समृद्धि हो आपका परिवार, यही हमारा कामना है भगवान से। अच्छा रहिए, सुस्त रहिए, खुशी रहिए, हैप्पीनेस बांटते रहिए, आपको भी आपको हैप्पीनेस मिलेगा। यूनिवर्स का लॉ ही ऐसा है, आप जब खुशी बांटोगे आपको खुशी ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, और आप फाइनेंशियली किसी